देखो बीच बीच पहाड़ों के बीच में ये बादल। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखो भाई, मैं रुका वो रुकी, मैं रुका वो रुकी, और इसके बाद फिर हम आगे निकल गए। और गूगल मैप में देखोगे ना, ये रास्ता आपको सो ही नहीं करेगा, मतलब तुंगनाथ तक ये रास्ता गया ही नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे होगे मचा रहे होगे। तो जी अभी कल हमने केदारनाथ ट्रैक कंप्लीट कर लिया था और शाम को करीब आ गए थे, 5 बजे तक नीचे आ गए थे फाटा में। इसके बाद तुरंत के तुरंत ही हमने सामान वगैरह पैक किया और बाइक पे लोड किया, फिर निकल गए नीचे की ओर। यानी कि हमने सोचा कि बद्रीनाथ के रास्ते में जितना अधिक कवर कर पाएंगे उतना चलते हैं दिन रहते रहते। तो फिर अभी 14 किलोमीटर ही आगे आए थे, तब तक रास्ते में जी होने लगी बूंदाबांदी हल्की फुल्की, और इतना जाम लग रहा था ना कि फिर मन नहीं कर रहा था चलाने का, क्योंकि कल ऊपर गए फिर तुरंत तुरंत नीचे आए, पैर बिल्कुल जवाब दे गए थे। तो हमने सोचा कि यहीं कहीं स्टे कर लिया जाए। तो फिर हमने पता किया, तो अभी ये जगह है कुंड, तो यहाँ पे एक बेसिकली एक छोटा सा विलेज है, तो यहीं पर हमने स्टे ले लिया और रात भर सोए, अच्छे से नींद लिया। और सुबह उठकर थोड़ी मोटी एडिटिंग की, वीडियो अपलोड कर रहा था, बट ये वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद हम आए थे यहीं पे, एक बगल शॉप है और यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, तभी भाई लोग भी मिले। ये भाई लोग अपना खाना वगैरह बना रहे थे, बातचीत होने लगी। तो जब हम नाश्ता करके जा रहे थे तो भाई ने खाने का ऑफर दिया, तो बात इतनी मतलब बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि चलो हमने कहा ठीक है खाते हैं। इसके बाद फिर हमने अभी खाना पीना खा लिया। और ये लोग ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, यानी कि यात्रियों को चार धाम यात्रा करवाते हैं। तो अभी जो इनके क्लाइंट है वो ऊपर गए हुए हैं केदार बाबा के दर्शन के लिए। तो अगर आप लोग भी कभी भी चार धाम यात्रा करना चाहते हो और एजेंसी के थ्रू करना चाहते हो, तो आप लोग इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने खाना वगैरह बनाया, अभी मैं इनके पूरे स्टाफ से आप लोग को मिलवा दूंगा। बहुत ही लाजवाब खाना बनाते हैं, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। तो भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे अभी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 97 23 81 63। ओके, आपका नाम? मेरा नाम रवि है। तो आप रवि भाई को कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। अभी 6 महीने यात्रा चलने वाली है, तो बस आपको मजा आ जाएगा भाई। लाजवाब खाना बनाएंगे, प्लस जहाँ पे भी इसका स्टे होगा वहाँ स्टे कराएंगे अच्छे से हर जगह। तो जी बस अब ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकलते हैं, अभी सामान बाइक पे लोड भी करना है। ओके, तो जी फाइनली अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कुंड से, और टाइम हो रहे हैं जी 12:44। देखिए यहाँ पे कुंड, जैसे आप बाहर निकलोगे ये देखिए एक पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। और जी बस कल हमने जिस वजह से परेशान होकर इस रूम ले लिया था उसी जगह पे, आज जैसे ही निकला हूँ ये हालत फिर मिले हैं। देखो तो सही कितना लंबा जाम लगा है भाई। बारिश बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो गई है और जी छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रहा है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखो भाई, बारिश आ गई और हम फंस गए। तो जी जैसे ही निकले ना, इस जोरदार बारिश ने हमारा स्वागत किया है। तो जी अभी बारिश रुकी है, क्या तूफानी बारिश हुई थी यार। और ये देखो अपनी बाइक थोड़ा हमने यहीं पे लगा दिया था यार, थोड़ा थोड़ा भीग भी गया है। तो ये भाई लोग भी अभी यहाँ पे रुके हुए थे बारिश में, और इन लोगों से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। और ये लोग जा रहे हैं केदारनाथ, हैप्पी जर्नी। तो आई होप कि अब बारिश ना हो, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। और अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग चल ही रही है भाई, ऊपर से पूरा ही पानी आ रहा। खतरनाक हो रखा है यार पूरा रोड। अरे यार ये तो हमने गलत रास्ता ही बिल्कुल पकड़ लिया, अपनी किस्मत में टफ टास्क ही लिखा हुआ है। कोई भी
चीज़ इजी होती है तो उसको हम पहले टफ बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको उस टफ टास्क को पूरा करते हैं। इधर देखो अभी जो तूफान आया था उसके कारण कितनी टहनियाँ वगैरह पेड़ की टूटी हुई हैं। भाई भाई मेरे, ये क्या ही खतरनाक रोड पर आ गए यार। और सामने का व्यू तो देखो यार, वाले पहाड़ भाई क्या नेक्स्ट लेवल के हैं, खतरनाक लग रहा है बिल्कुल। एक यही होप है किया वाला, एक हम, ये मेरी बाइक और एक किया, नहीं तो इस रोड पे कोई नहीं दिख रहा है अभी। ओ माय गॉड यार, ये तो गड़बड़ होती हुई। यहाँ से अब जी जा रहे हैं दो रास्ते, ये तो हमें भी नहीं पता। ये स्नोपुट सीधे दिखा रहा है, तुंगनाथ ही जा रहे हैं ना। तो यहाँ से जी एक ऊपर की ओर रोड जा रहा है और एक नीचे, तो अब हम लोग भी फाइनल नीचे से ही जा रहे हैं। अच्छा इधर से गाड़ी आ रही है, इससे थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, पूछ तो रहे हैं। सर जी तुंगनाथ के लिए जाएगा? ठीक ठीक, तो बस मिल गए एक लोग। और यार बारिश फिर से आ रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर तो जी हम, लगता है कि आज अपनी लगने वाली है लंका, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ है नहीं रुकने को। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये देखो सामने के व्यू भाई। ये यहाँ पे बिल्कुल सिंगल और ऑफ रोड है, यहाँ पे ऑफ रोड के साथ साथ वाटर क्रॉसिंग, तो क्या गजब की वाटर क्रॉसिंग थी। लगता है कि जी आज तो अपनी लंका लग जाएगी, क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है। और इस रोड पे रुकने का मतलब है पंगा लेना, खतरे को खुद ही बुलाना। इस रोड पे रुक नहीं सकते, चाहे कितना ही बारिश हो, धड़ाधड़ निकलना पड़ेगा। इसका बाइक से यार दिक्कत हो सकती है ना। अरे हो 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 हो, इधर तो देखो यार, पूरा ही टहनी वगैरह टूट के गिरे हुए हैं। आई होप ये यार रास्ता क्लियर हुआ ऐसे। अरे सामने एक और वाटर क्रॉसिंग, ये तो बहुत हल्की है, बहुत हल्की है यार। बहुत हल्की है ये वाटर क्रॉसिंग, जो पिछला मैंने दो क्रॉस किया करा था ना, वो तो नेक्स्ट लेवल के थे। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा पानी का फ्लो था ना, हालत ख़राब हो रही थी। दो गाड़ियाँ, ये सामने से किया निकली है, फिर आगे से एक ट्रैवलर निकली है, फिर टायर को मैंने देखा ट्रैवलर के, फिर जाकर क्रॉस कराया है। क्या यार, बस 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 चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओहो तगड़ा ही है, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। भाई 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 भाई, ओ माय गुडनेस, फाइनली फाइनली फाइनली। भाई किया वाला कहाँ चला गया यार,
आराम से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं रुका, वो रुकी, मैं रुका, वो रुकी, और इसके बाद फिर हम आगे निकल गए। इतने सुनसान रास्तों पे सोलो राइड यार फट जाती है थोड़ी कभी कभी। और किस्मत तो देखो, आज इतना तगड़ा ऑफ रोड और वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ रही है, और ग्लव्स हमने पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहा है। ये देखो भाई क्या गजब का नज़ारा है यार। चलो चलो अब चलते हैं, किया वालों को आगे जाने देते हैं। पॉड ये थी, यहाँ पर देखो पूरा बंकर बनाए गए हैं, और वो देखो सामने किसी ने सच ही कहा है ना, खूबसूरत चीज़ों को पाने के लिए परिश्रम भी उतनी ही करनी पड़ती है। जी तोड़ परिश्रम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ऐसे नज़ारे देखने के लिए भाई दिल में हिम्मत चाहिए, वो भी इस बरसात के मौसम में तो फिर खतरनाक हो रखा है। बरसात ना होता तो फिर भी चल जाता, हालांकि ये भी सही है कि अगर बरसात ना होता तो ये नज़ारे भी ना आते, है ना। तो जी अभी टाइम हो रहा है 4:33, और सामने तो देखो भाई तगड़ी वाली बारिश एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे कितना दूर है, 23 किलोमीटर यहाँ से अभी भी चोपता है। तो सोचो कि यार कैसे जाएंगे, आज तो खतरनाक ही वाला सीन हो रहा है अपने साथ। और यहाँ पे दो लोग मिले, आप लोग क्या नाम है, तनुजा और नेहा। तो नेहा और तनुजा जी मिले हैं 12th में, अभी इन लोगों ने 11th का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं, 12th जल्दी जल्दी पास करिए अच्छे मार्क्स से। तो बस अभी बैठे बातचीत चल रही है। यहाँ पे सामने एक होम स्टे टाइप का दिख रहा है और उस साइड भी है, तो देखते हैं कहाँ मिल पाते हैं। तो जी अभी 5 बज रहे हैं और फाइनली बारिश रुक गई यार, देखो। तो चलते हैं आगे, जितना खींच पाएंगे उतना खींच पाएंगे, बाकी निकलते हैं। ओह माय गॉड, बारिश के बाद क्या गजब खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं यार। तो जी अभी देखिए हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी बाइक सेफली पार्क है, और यहाँ से चलना है भाई जी के घर होम स्टे में। तो एडवेंचर अभी से शुरू। तो जी अभी 6:24 हो रहे हैं, और हम आ चुके हैं अपने होम स्टे के छत पर, और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई, वाकई में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ। इस जगह की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो जी अभी हमने चाय चू पी लिया और ब्लॉग का एंडिंग का टाइम आ चुका है, बट नज़ारे तो देखो पीछे भाई बवाल यार, पूरा ही जो बादल है वो आ चुका है ऊपर तक। तो बस इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ इस ब्लॉग का एंडिंग करते हैं। कल जी हमें ट्रैक करना है तुंगनाथ, वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल ऑफ शिवा, मतलब सब विश्व का सबसे ऊंचाई पे बसने वाला शिव जी का टेंपल। तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट आवारा राइडर, एंड वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया करो और सब्सक्राइब करते रहना।